दोस्तों, भारत इस समय दुनिया के सभी देशों के लिए एक मित्र देश बनकर उभरा है। लगातार पिछले कुछ सालों से भारत हर एक देश के साथ अपने संबंधों को सुधारते हुए दुनिया में सबकी मदद करने वाला और साथ ही सबको साथ लेकर चलने वाला देश बना है। इसी का कारण है कि जब इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ, तब भारत ने दोनों देशों को अलग अलग तरीके से बात की। एक और जहां भारत ने फिलिस्तीन में मदद की गुहार लगा रहे लोगों के लिए मानवीय मदद भेजी, तो वहीं इसराइल में शांति की ओर आगे बढ़ने के लिए युद्ध को रोकने के लिए कहा। लेकिन दूसरी ओर भारत ने इसराइल के साथ अपने रक्षा संबंधों को भी मजबूत किया और इसराइल ने जब हथियारों की मदद मांगी तो भारत ने वह भी की। लेकिन अब इसी बीच खबर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत इसराइल को जो हथियारों की मदद कर रहा है उसको तुरंत बंद कर दे, वरना ये भारत के लिए सही नहीं होगा। फिलिस्तीन की तरफ से सामने आई इस धमकी के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में चल रहे युद्ध को लगभग एक साल होने वाला है। इस बीच भारत ने दोनों देशों के साथ अपनी बातचीत जारी रखी। भारत ने जहां एक और फिलिस्तीन में अपने इंडियन एयरफोर्स के जहाज से मेडिकल, खाद्य पदार्थ आदि की मदद भेजी, तो इजराइल को क्षेत्र में शांति की बात कही। लेकिन इसी बीच अब फिलिस्तीन ने भारत से गुहार लगाई है कि भारत इजराइल की हथियारों में मदद ना करे। आपको बता दे कि ये फिलिस्तीन ने इसलिए कहा है क्योंकि हाल ही में भारत ने इसराइल को 27 टन विस्फोटक सामग्री भेजी थी। हालांकि इस 27 टन विस्फोटक सामग्री वाले मालवाहक जहाज को स्पेन ने अपने देश में रोक लिया था और स्पेन ने अपने पोर्ट पर इसे रुकने की अनुमति नहीं दी थी। स्पेन ने कहा था कि इस वक्त युद्ध में शांति की जरूरत है, ऐसे में अब कोई भी विस्फोटक सामग्री इसराइल तक नहीं जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद हमने ये भी देखा कि चेक गणराज्य देश ने इस जहाज पर अपने दावे ठोक दिए थे और कहा था कि ये जहाज भारत से उसकी मदद करने के लिए आया था। लेकिन इन्हीं सब खबरों के बीच में खबर सामने आई कि फिलिस्तीन ने भारत से कहा कि वह इसराइल को मदद करना अब बंद कर दे। फिलिस्तीन की ओर से कहा गया है कि जो मदद भारत इसराइल को कर रहा है उसका इस्तेमाल इसराइल, गाजा और हमास में लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकता है, इसीलिए भारत अब इसराइल को हथियारों को एक्सपोर्ट करने पर एक बार फिर से विचार करे। आपको बता दे, फिलिस्तीन के विदेश मंत्री वारसेन अगाबेकियान ने वहां भारत की प्रतिनिधि रेणु यादव से मुलाकात की। फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इसराइल को हथियार देने के फैसले पर एक बार फिर से पुनः विचार करे। इसराइल मुख्य रूप से दुनिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे में दुनिया को मिलकर इसराइल पर दबाव डालना चाहिए, जिससे इसराइल गाजा में लोगों की जान लेना बंद करे। फिलिस्तीन में भुखमरी है, वहां के लोगों को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। ऐसे में विदेश मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधि से कहा कि एक बार फिर से भारत को इस पर विचार करने की जरूरत है। आपको बता दे कि ये मुलाकात उस समय हुई जब भारत ने अपनी सरकारी और साथ ही कई प्राइवेट कंपनियों को ये कहा है कि वह अब इसराइल को भी हथियार एक्सपोर्ट कर सकती है। हालांकि भारत ने इसलिए कहा क्योंकि भारत अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, लेकिन फिलिस्तीन ने कहा है कि इससे सीधा नुकसान वहां के लोगों को हो सकता है, ऐसे में भारत इस फैसले पर विचार करे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इसराइल को कई छोटे गोला बारूद, रॉकेट, ड्रोन, ग्रेनेड एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। साथ ही कई तरह के हथियार और ड्रोन तो भारत इसराइल को भेज भी चुका है। बता दें कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले साल के 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। फिलिस्तीन के हमले के बाद से ही इसराइल ने लगातार हमास पर हमला जारी रखा और वहां अब तक कई हजार लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत फिलिस्तीन के लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए इसराइल की मदद कर रहा है। आपको बता दें कि ये भारत ही है जिसने लगातार फिलिस्तीन में शांति की अपील और साथ ही वहां के लोगों की जान की फिक्र की है। आपको बता दें, जिस वक्त फिलिस्तीन में लोगों की जान जा रही थी, उस वक्त भारत ही था जिसने गाजा में 6.5 टन मेडिकल सामान और साथ ही 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी थी। इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान इस मदद को लेकर वहां पहुंचा था, जिसमें दवाइयां, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, पानी आदि शामिल था। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में ये भी जानकारी दी थी कि भारत ने रमजान के महीने में इसराइल के पास एक दूत भेजा था। पीएम मोदी ने उसके हाथों ये मैसेज भिजवाया था कि कम से कम रमजान के महीने में हमला ना किया जाए, क्योंकि ये एक पवित्र महीना होता है और इसका असर हमने देखा था कि इसराइल ने उस महीने में फिलिस्तीन के हमास और गाजा पट्टी पर बमबारी को कुछ हद तक रोका था। इसके अलावा भी दोस्तों, यूएनएससी में जब ये प्रस्ताव आया कि फिलिस्तीन को स्थायी सदस्यता देनी चाहिए, तब भी भारत
भारत ने उसका समर्थन किया था। हालांकि अमेरिका, इजराइल जैसे देश उसके खिलाफ खड़े थे, लेकिन भारत फिर भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा था। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल के साथ भारत ने रक्षा, तकनीक और आतंकवाद को रोकने पर जोर दिया है, और इसी कारण से भारत लगातार इजराइल के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इजराइल भारत का एक पुराना साथी है और उसी विश्वास को बनाए रखने के लिए भारत इजराइल को मदद भेज रहा है। साफ है कि भारत हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन की आम जनता और मासूम लोगों के साथ भारत खड़ा हुआ है, और यही कारण है कि भारत लगातार इजराइल को मदद पहुंचा रहा है। इसके अलावा इजराइल ने भारत की उस समय मदद की थी जब भारत की किसी भी देश ने मदद नहीं की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करगिल युद्ध की। उस समय इजराइल ने भारत की मदद की थी, यही कारण है कि भारत लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। वैसे आपके हिसाब से भारत का इजराइल को मदद करना सही है या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।